इनकी एक मैकेनिज्म होगी, स्पेसिफिक तरीका से बने हुए होंगे। अब जैसे आप देखोगे कि अर्थ के सरफेस पे, या लिथो स्फीयर पे कह लीजिए, या ओशन पे भी, कहीं पर भी एक तरीका की सिमिलरिटी नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं। मतलब अर्थ स्टेबल नहीं है। जिस प्लेन में हम इस समय बैठे हुए हैं, ये आज से लगभग लाखों करोड़ों साल पहले तो एक तरीके से ट्रेंच होगा, जब गंगा यमुना नदियां वहां से डिपोजिट लाई होंगी, तब धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हुआ होगा, तब चीजें बनी होंगी। तो एक बात यहाँ से निकलती है कि जो वर्ल्ड जो अर्थ है वो स्टेबल नहीं है, अर्थ निरंतर बदल रही है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। कहीं पे पर्वत बन रहे हैं, कहीं पे पहाड़ बन रहे हैं, कहीं पे वोल्केनो आ रहा है तो पठार बन रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है तो कुछ टोपोग्राफी डिस्ट्रॉय हो रही है, हो सकता है कहीं पे बन रही हो। जैसे आपने सुनो कहीं भूकंप आया, नया आइलैंड निकल आया, या जैसे आपने सुनामी सुना होगा 2004 का, तो जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया। तो ये तो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है ज्योग्राफी में, हमें तो करोड़ों वर्ष के हिसाब से देखना होता है। मतलब तो हमें क्या तो पढ़ते रहते हैं, तो वो सब चीजें समझनी होती हैं। तो सबसे पहले समझ लें कि पृथ्वी क्या है, परिवर्तनशील है। अब बात यह है कि परिवर्तनशील है क्यों, कुछ तो फैक्टर्स होंगे, सिंपल सी बात है, कुछ फोर्सेस होंगे जो इसको चेंज बना रहे, चेंज ला रहे धीरे धीरे, तो कुछ बल होंगे जो इसमें लग रहे होंगे। जैसे हम ही हैं, हमारी पर्सनैलिटी कई तरीके से डिजाइन होती है, कई बार तो आउटर फोर्सेस होते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुनाए, उसने हमें बता दिया, या घर समाज या यूनिवर्सिटी, इन सब ने हमारी एक पर्सनैलिटी को एक फॉर्मेट दिया, एक आकार दिया। लेकिन कई बार हमारे अपने अंदर भी तो कुछ होता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, मुझे कोई भी आउटर स्पेस उतना नहीं सिखा सकता जितना मेरा इनर स्पेस मुझे परमिशन नहीं देता है। मेरी पर्सनैलिटी अगर थोड़ी दब्बू है, मतलब किसी की भी, या एक्स्ट्रोवर्ट है, तो वो वैसी ही रहेगी, उसे कोई बहुत ज्यादा सिखा नहीं सकता, बदल नहीं सकता, लेकिन बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो जाता है। ऐसे अर्थ पे होता है, ऐसे अर्थ पे भी कुछ फोर्सेस अंदर से आ रहे होते हैं, कुछ बाहर से लग रहे होते हैं। अंदर से फॉर एग्जाम्पल जैसे बाहर से हुए पहले जाते हैं और अंदर से अंतर्जात में जो अंदर से जो अंदर के सरफेस पैदा हो रहे होंगे अंतर्जात बल कहलाएंगे। अंतर्जात बल में भी दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसको तीव्रता के आधार पर देखें, तो एक तो ऐसे होंगे जो सडन मूवमेंट होंगे, यानी तीव्र गति से, कुछ मूवमेंट ऐसे होंगे जो बहुत स्लो होंगे, उनको बोलेंगे विवर्तन की पटल प्रदूषण, डायस्ट्रोफिक डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स। जैसे जो तीव्र गति से होंगे, जैसे हम यहां बैठे हैं, अभी 3-4 दिन पहले भूकंप आया था, तो वो बिल्कुल सडन मूवमेंट था, कहां से आया था, अंदर से तो आया था, बाहर से थोड़ी आया था। ऐसे ही कहीं पे, जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में तो वोल्केनो है नहीं, ज्वालामुखी है नहीं, ऐसी जो फूट जाती हो, कहीं कहीं आप देखोगे वो तूफान गति से वोल्केनो फूटा और सब खत्म हो गया। ये कहां से आ रहा है, सब अंदर से आ रहा है। जो तीव्र गति से आएंगे, सब पहले समझना है कि उनका प्रभाव तुरंत होगा और क्या लंबे समय तक चलेगा। मान लिया भूकंप आया, तो इसका प्रभाव कितने लंबे समय तक होगा, क्षणिक होगा, अब ऐसी बात है। लेकिन जो पटल विरूपण वाले होंगे, वो बड़े स्लो प्रोसेस होंगे, धीरे 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 चीजें बदलते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां हम बैठे हैं, किसी ने मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, ये ऐसा तो नहीं है साल दो साल में बन गया होगा ये प्लान, ये तो गंगा यमुना और जो नदियां हैं वो डिपोजिट लाई होंगी, तब धीरे करोड़ों साल लगे होंगे। जैसे हिमालय है, हिमालय भी एक दिन में नहीं बना, या 2-4 साल में नहीं बना, लंबे समय में बना होगा। तो पटल विरूपण में क्या होंगे, स्लो प्रोसेस के थ्रू इंप्लीमेंट होंगे, उनका प्रभाव कैसा होगा, और इसी बात दीर्घकालिक होगा, लॉन्ग टर्म में वो इम्पैक्ट दिखाएगा हमें कि क्या हो रहा है। तो पहले हम पटल विरूपण कर लेते हैं, फोर्स है, फोर्स में एंडोजेनेटिक है, एक्सोजेनेटिक है, उसमें इंटेंसिटी के आधार पर दो है, एक तो कैटास्ट्रोफिक है, सडन है, बहुत तीव्र गति से होंगे, और दूसरे हैं डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, जो स्लो प्रोसेस होंगे। तो डायस्ट्रोफिक जो पटल विरूपण है, ये सब कर लेते हैं, देखते हैं एक बार। Thank you.
बटन में रूपण में दो तरीका का मूवमेंट होंगे, एक तो विवर्तन के संचालन होंगे, तीन तरीके के संचालन। टेक्टोनिक मूवमेंट जो होंगे, दूसरे होंगे समस्थैतिक संचलन। आइसोस्टैटिक मूवमेंट, तीसरे होंगे सुस्थैतिक संचलन। जीव भी है, पठार भी है, मैदान भी है, फिर ये सब स्टेबल कैसे हैं? तो ये तो बात दिमाग में आती होगी हम सब के में कि ये सब इतनी टोपोग्राफी, जब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हर अर्थ में हर समय होता रहता है, उसके बावजूद भी ये इतनी टोपोग्राफी हर वक्त स्टेबल क्यों है? तो उसके लिए भी कोई कुछ काम कर रहे होंगे, तो ये बोले जाते हैं आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप तो ये समझिए कि आपने देखा कि रेत बजरी में जब एक पहाड़ से बना देते हैं इस तरीका से, तो एक लिमिट के बाद क्या होता है, आप इस पे ऊपर नहीं बढ़ा सकते, ये वापस आता रहता है। सेम चीज ऐसे ही है, जैसे कोई भी टोपोग्राफी अपनी लिमिट से बियॉन्ड द लिमिट चली जाएगी वो कोलैप्स करेगी। इसी के संबंध में एक जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक जो अर्थक्वेक को एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट दी गई थी एलसी बाउंड नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जब अर्थक्वेक आने का मतलब ये है कि पहले क्या था, मूवमेंट की वजह से जो लिथोस्फीयर है वो स्ट्रेच हो रहा है, एक सीमा तक स्ट्रेच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब वो लिमिट पार कर जाएगा दोबारा से अपनी वही स्थिति लाने के लिए वो मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन होगा, इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। तो आइसोस्टैटिक का मतलब ये है कि जितनी भी टोपोग्राफी है, जितनी भी संरचनाएं हैं, वो किसी ना किसी फोर्स के थ्रू इक्विलिब्रियम में है, और वो इक्विलिब्रियम इसकी वजह से आइसोस्टैटिक की वजह से इस जो महासागर में बहुत सारी टोपोग्राफी है, बहुत सारी ट्रेंचेस हैं, रिजेस हैं, और गियोट्स हैं, और कई सारी चीजें हैं, तो वो भी तो किसी फोर्सेस के थ्रू स्टेबल रही होंगी। तो जो आइसोस्टैटिक जो होती है स्पेसिफिकली महासागर के संबंध में कहलाती है। सुस्थैतिक संचलन है, सुस्थैतिक मूवमेंट है, वो कहां होंगे, महासागरों में, और उन सब को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए होंगे, और आइसोस्टैटिक लिथोस्फीयर है, और पूरी अर्थ को एक बैलेंस में बनाए रखने के लिए। इसमें इतना ही समझना आपने ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर ऑप्शनल में पहुंच जाती है चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जीएस के नजरिए से आता है विवर्तनीय संचलन। विवर्तनीय संचलन थोड़ा तरह होते हैं, नहीं है मैं ये अपना रिवीजन कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा ठीक है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोशिश की गई आइसोस्टैटिक में, समस्थैतिक में, कि जो हमारे इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो या पठार हैं वो स्टेबल कैसे, तो उनमें ये आगे लगाया गया कि जो हिमालय है कितनी हाइट है हिमालय की, तो इसमें क्या है कि इसकी जो रूट फॉर्मेशन होगा इससे 9 गुना होगा, 972 और लगभग कितना होगा 80 किलोमीटर मान लें, तो रूट इसकी 80 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे। लेकिन फिर बाद में डिबेट आने लगी कि एक डिबेट है टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हम 100 मीटर नीचे जाएंगे
तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ेगा। 100 पे 2 से 3 का बढ़ेगा, 2 ही माने जाते हैं। 1 किलोमीटर पे कितना बढ़ेगा? 100 मीटर पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। 1000 मीटर पर और 80 पे कितना? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रिजल्ट आई थी एवरेज जो इतनी ऊंची है और 80 किलोमीटर नीचे जहां उसकी रूट्स होंगे जो इसे आइसोस्टेटिक एस्टेब्लिशमेंट दे रही है या समस्थिति के रूप से स्टेबल कर रही है, क्या वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा नहीं? तो क्या होता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा होता है ना तो उसमें बहुत सारी डिबेट्स होती है। कोई नहीं जानता कि अर्थ क्यों बनी, कोई नहीं जानता आज भी, या ये कॉस्मोस क्यों बना, लेकिन हम सब ने और ही कर दिए कि बिग बैंग हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ज्यादातर लोग मानने लग गए और कुछ सबूत भी जुटा लाए, लेकिन एग्जैक्टली तो कोई कह ही नहीं सकता। सेम ये है, आइसोस्टेसी कैसे है इसके बारे में हर व्यक्ति ने, मतलब ज्योग्राफर्स ने या जियोलॉजिस्ट जो भूगोल शास्त्र पढ़ते हैं उन्होंने तरीका तरीका की थ्योरी हमारे सामने रखी कि शायद इस वजह से, ये थ्योरी ये भी है कि इस तरीका से रहा होगा। तो ये मैं पूछ रही थी वो ये था, बाकी और तो कुछ नहीं इसमें। तो हमें पढ़ना पटल ग्रुप, अगर पहले हमने फोर्सेस पढ़े, फोर्सेस कौन से, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, फिर उसमें आए हम एंडोजेनेटिक पे, एंडोजेनेटिक में 2 आए, उसमें देखे जो इंटेंसिटी के आधार पे, एक तो था पटल विरूपण और दूसरा था जो कैटास्ट्रोफिक जो तीव्र थे, ठीक है। और पटल विरूपण डायस्ट्रोफिक में हमने 3 निकाले थे, एक वर्तनी के संचालन यानी टेक्टोनिक मूवमेंट, दूसरा निकाला था स्टैटिक यानी समस्थिति के संचालन, तीसरा निकाला था इओस्टैटिक, इओस्टैटिक महासागरों में, स्टैटिक स्थल पर, अब पटल विरूपण। अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो अर्थ मूव कर रही है, इस बात से तो सबसे अहम होता है। अब मूव कैसे कर रही है, इसमें तो डिपेंड हो सकती है, कोई कह सकता है नहीं प्लेट्स ऐसे चल रही है, जी तो स्पेस इस तरीके से मूव कर रहा है, तो एक साइड में क्यों होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ये क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल, लेकिन प्रिय कह सकते हैं नहीं वर्टिकल कर रहा है, वर्टिकल कर रहा है, ऐसे हो सकता है। तो इसी में 2 डिबेट बनी, एक तो मूवमेंट कहना क्षैतिज मूवमेंट एक ऊर्ध्वाधर मूवमेंट, क्षैतिज मूवमेंट कैसे हुआ होगा, 2 तरीका का हुआ होगा, एक तो ये डिबेट मान जाए कि इस तरीका से हो रही है दोनों, यानी कंप्रेस हो रही है प्लेट्स, प्लेट कह लो या कोई मूवमेंट कह लीजिए, तो इसे बोलो संपीड़न। दूसरा ये हो सकता है कि एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही हो, दूर जा रही हो, यानी इस तरीके से, इसे क्या कहते हैं, तनाव बल की वजह से। जब संपीड़न बल काम कर रहा होगा तो लेट सपोज कि मैंने ये 2 प्लेट्स हैं इस तरीके से और वो इस तरीके से ऐसे फोल्ड बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बलित पर्वत जो बने, इस तरीका से क्या होगा, इसमें इस तरीके से फोल्ड्स बनेंगे, तो ये क्या बने, बलित पर्वत, जो हिमालय का फॉर्मेशन है, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स और एटलस, इनका जो फॉर्मेशन है इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई प्लेट टेक्टोनिक में। इसको बोला गया अपिनति, नति होता है इंक्लिनेशन यानी एंगल होता है वो, और इसको बोला जाएगा अभिनति, जो ऊपर वाला उभारदार हिस्सा है वो बोला गया अभिनति। जैसे आप हिमालय की जो रेंजेस देखोगे ऊंची हैं उनको हम अभिनति भी बोल सकते हैं, और जो वैलीज बोलोगे, घाटी बोलोगे, जैसे दूरद्वार इस तरीके से, वो अभिनति कहेंगे। अभी का मतलब ये होता है कि बाहर जाना, डाइवर्ट होना, तो आप ये देखोगे बाहर की तरफ निकल रहा है और ये अंदर की तरफ है अभिनति, तो बलित पर्वत इस तरीके से निर्मित हुए, संपीड़न में ये हुआ। दूसरा तनाव मूलक में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि
कोई भी ब्लॉक है वो इस तरीका से जाएगा। अगर सपोज ये ब्लॉक है, मैं ऐसे खींचना शुरू करूँ तो सबसे पहले क्या होगा, चटके जाएगी, सबसे पहले चटकन होगी, फ्रैक्चरिंग होगी, चटकन के बाद फिर क्या होगा, तो चटक जाएगा ऐसे चटका, फिर क्या होगा इसमें दरार पड़ेगी कुछ, तो फिर दरार पड़नी है इसमें, और फिर बाद में क्या होगा टूट के अलग हो जाएगा, फिर क्या होगा ब्रांच, ब्रांच हो जाएगा। जैसे पहले इस तरह का चटकन पड़ेगा, फिर ऐसे दरार आ जाएगी, और फिर ये ब्लॉक अलग इस तरह का अलग। दूसरे तरीका से समझते हैं, ये कोई ब्लॉक है ठीक, इस ब्लॉक में ऐसे तनाव पैदा हुआ, तनाव पैदा होने से पहले चटका, फिर दरार पड़ी, और फिर ब्लॉक धरण चल गया, शिफ्ट हो गया, तो ये इस तरीका से अलग हो गया, ऐसा बन जाएगा। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ब्लॉक पर, ब्लॉक पर, और ये क्या बोले ब्रांच घाटी, जैसे नर्मदा और तापी कैसी नदियाँ हैं, हाँ ब्रांच घाटी में रहती है, विंध्य रैन, सतपुड़ा रैन, अजंता रैन, इस तरीका से ऐसे एक यूरोप में रिवर है राइन रिवर, राइन ब्रांच घाटी में रहती है, और वो एक एक साइड है वॉसगॉस ट्रेंच और दूसरी साइड पर ब्लॉक पर्वत ट्रेंच, दोनों किसके एग्जाम्पल है ब्लॉक पर्वत के। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो कैसे बने होंगे, तनाव मूलक बल बल लगा हुआ होगा और तब ये एक्सपेंड हुई होगी, इतना ठीक है, आगे चले। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंज में आती है अरावलीज, अरावलीज सबसे पुरानी है, और ऐसे कहते हैं कभी वो हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन अब कहां गई वो, क्या कुछ अंदर से भूकंप आया, वोल्केनो आया, कहां गई वो इरोड हो गई, इरोजन हो गया उसका, और वो इरोजन के लिए फोर्स कहां से आया होगा, एनवायरमेंट से आया होगा ना, तो बाहर से आया होगा, जो बहिर्जन बलों में जो बाहरी वातावरण के थ्रू लगते फोर्सेज हैं उनसे जो मॉडिफिकेशन होता है वो बहिर्जात बल के अंतर्गत आएगा, चाहे कोई वैली बनी हो, चाहे कोई, कई बार क्या होता है जो जो ये प्लान है जिसमें हम बैठे हैं ये क्या कहोगे, एंडोजेनेटिक है या एक्सोजेनेटिक है, नॉर्मली इसे एक्सोजेनेटिक माना जाता है, लेकिन आप ज्योग्राफी में और डिटेल में जाओगे तो कुछ एंडोजेनेटिक भी है, लेकिन मोटा मोटा समझिए, मोटा क्योंकि ये डिपोजिशन ज्यादा हुआ है तो उसके परस्पेक्टिव में समझिए, तो डिपोजिशन से ये जो गंगा वैली है, ये गंगा प्लान है, ये एक्सोजेनेटिक मानेगा, समुद्री जल धाराएं या वेव्स जो होती हैं वो जो कोस्टल रेंज होती है उन सबको कट कर रही होती है, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन कर रही होती है, तो वो भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में आएगा, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में आएंगे, तो टोटल जो अपक्षय होती है उसको इसके अंदर पढ़ते हैं, ये अलग टॉपिक ही है, मतलब सब अलग टॉपिक ही है जो जो हम पढ़ रहे हैं उनको सभी को बाद में ठीक से एक्सप्लेन करना भी होता है, तो भरी बात नहीं हो जाती। अब दोबारा से अंदर जाकर पद में आते हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है कहां से, अंदर से पैदा हो रहे हैं, तो अंदर से कैसे पैदा हो रहे हैं, क्यों पैदा हो रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमें अंदर की जानकारी होनी चाहिए, मान लो भूकंप आया, भूकंप आ रहा है तो उससे बचने के लिए क्या ऑप्शन है, पहले जानो ना किस फोर्सेस के थ्रू आ रहे हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के थ्रू आ रहे हैं, अब फिर ये जानो कि अंदर ऐसा है क्या कि जो ये फोर्स पैदा कर रहा है, फिर ये भी हो सकता है कि हो सकता है हम वो जान लें कि अंदर ऐसा है, इस वजह से हम प्रिडिक्ट कर सके कि भूकंप उस समय आएगा तो हम बच जाए, तो उसी संदर्भ में हम पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसका अध्ययन कर रहे होते हैं कि ये अंदर क्या है, ये सब जान सके। तो अब क्या है कि
इसका रेडियस जो है 6871 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 6400 मान सकते हैं। अब 6400 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से वहाँ तक हो गया, यानी कि 6400 किलोमीटर आप अंदर जाके देख के आओ, एक तो तरीका भी पॉसिबल नहीं है। आज तक 3 किलोमीटर से गहरी कोई भी गहराई तक हम खोद नहीं पाए हैं आपके पास, नहीं तो अगर हम सरफेस वो अलग है ओशियन वाला तब ऐसा आती है। नॉर्मली लैंडस्केप है 3.2 USSR की थी वो है, बाकी आप महासागरों में डिगिंग करोगे जो डीप माइनिंग है, डीप ड्रिलिंग है, ओशन ड्रिलिंग, उसमें काउंट करें तो 9 तक पहुंच जाती है। ये तो अब इसमें कुछ डायरेक्ट सोर्सेज अब कैसे पता लगाए अंदर का, तो पहले तो डायरेक्ट सोर्सेज देखो कुछ कि कुछ ऐसा हो कि डायरेक्ट पता लग जाए, सबसे डायरेक्ट तो यही नीचे चले जाए जो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ और देखते हैं। कुछ और क्या देखते हैं, जैसे एक प्रमुख प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी जो नीचे से आते हैं तो वो डेंस मटेरियल होता है, जैसे बेसाल्ट हुआ या सेलिसिट के जो लावा हुआ वो होगा, तो जो बेसाल्टिक लावा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, थोड़ा सा नहीं लगता, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उससे क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ती जाएगी, डेंसिटी मतलब घनत्व, तो गाढ़ा होता जाएगा, डेंस होता जाएगा। दूसरा जो वोल्केनो आते हैं ज्वालामुखी आते हैं गर्म होकर आते हैं बिल्कुल, एक अंदर ये भी लगाया जा सकता है जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जो ज्वालामुखी आती है वो लगभग 200 किलोमीटर गहराई के आसपास से ही आती है, एस्थेनोस्फीयर एक रीजन होता है वहीं से ही इवॉल्व हो रहे होते हैं 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर तक की जानकारी दे पाता है जबकि हमारे 6400 किलोमीटर गहराई है, 200 किलोमीटर के आगे 6400 किलोमीटर के आगे 200 किलोमीटर बहुत छोटी चीज है, इससे हम पूरी अर्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक डायरेक्ट सोर्स में हम ऐसे यूज कर लेते हैं कि कई बार उल्का पिंड गिरता होते हैं और हम ये अज्यूम कर ले होते कर रहे होते हैं कि जिस तरीका से जिस मटेरियल से हमारी अर्थ बनी है उसी से ये उल्का पिंड बने होंगे। अब कोई उल्का पिंड अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करा, जब एंटर करेगा तो ये रगड़ खाएगा, उससे क्या होगा इसकी जो आउटर लेयर है वो जल जाएगी, तो इंटरनल लेयर ही बचेगी, जो इंटरनल लेयर आएगी और हम उसी को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब उल्का पिंड हमारे अर्थ पर गिरे और हमने उनका अध्ययन करा तो पता लगाया कि जो उल्का पिंड की इंटीरियर लेयर है, जो इंटीरियर जो कोर है वो हमें मिली, उसमें निकिल और लोहा ऐसे जो हैवी मेटल थे वो ज्यादा थे, तो हमने ये एक कॉन्क्लूजन निकालने की कोशिश की जो अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर है जो कोर है वो हैवी मेटल से बना हुआ है। जैसे आपने एक लेक पढ़ी होगी लोनार लेक, कहाँ पर है लोनार जी, महाराष्ट्र में है, कुछ एक दो भाग बात बता रहे हैं क्या है, तो उसके बारे में क्या है जब उसका अध्ययन हुआ तो ये देखा गया कि इसके सरफेस पर सबसे ज्यादा लोहा निकिल ये एलिमेंट पाए गए, तो पता लगा कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई लेक जो सरफेस पे है उसमें इतनी ज्यादा मात्रा में निकिल और आयरन हो, जबकि ये निकिल और आयरन जो कोर में पाए जाते हैं बाद में कौन में निकला, हो सकता है कोई उल्का पिंड आके यहाँ टकराया हो और उसने ये बनाया और उल्का पिंड डेस्ट्रॉय होकर यहाँ फैल गया हो, निकिल और आयरन ऐसे हो गया, तो उस लेक को ऐसा बोला जाता है। प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी उल्का पिंड, लेकिन इनसे कोई खास कंक्लूजन मिल नहीं पाया, क्योंकि उल्का पिंड का एक आकार बहुत छोटा होता है, फिर उसकी इंटीरियर लेयर ही होती है, फिर एक अजम्पशन जो हमने मान ली थी कि ये उल्का पिंड भी ऐसे ही बना होगा जैसे हमारी अर्थ बनी है वो ही मैटर होंगे, तो कुछ क्लियर कट अंदाजा लग नहीं पाता इस सबसे। फिर आते हैं प्रत्यक्ष स्रोत पर, अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने 3-4 चीजें करते हैं, जैसे सबसे पहले करते हैं घनत्व के आधार पर, फिर करते हैं ताप के आधार पर, थोड़ा सा दाब देते हैं, और सबसे लास्ट में जब इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकलता तब आते हैं भूकंप शास्त्र के अध्ययन पर। तो क्या एक्सप्लेन करूं थोड़ा तेजी से कर दो, ये सब एक एक टॉपिक बड़ा काफी लंबा, चलो मैं
थोड़ा आपको रिफाइनल देता हूँ, जो लिखवाने की जरूरत पड़ेगी मैं ठीक से एक एक द्वारा लिखवा देता हूँ, आप समझ लेना बस, ठीक है। पहले समझते हैं जाना तो है, हाँ भूकंप बाद में आए सबसे, जब जब हम इसको पढ़ लेंगे पहले ये समझते हैं ना कैसे कैसे अंदाजा लगाए क्या क्या हालत चल मिली, वो तो फाइनल आउटपुट होगा। भूकंप से क्या होता है कि मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा डिटेल देता हूँ, कल किसी मामूली सी, जैसे ये मान लो महासागर है और हमें यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से ये नापना है, तो दो तरीके हैं, तो डायरेक्ट सोर्स क्या है कि मैं खुद जाऊं या कोई रोबोट भेजू या कोई व्हीकल भेजू, लेकिन एक अच्छा स्वरूप ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से कोई वेव छोड़ू और वेव वेव यहाँ आएगी, यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तन होगा और फिर उससे मैं अध्ययन कर लूंगी, जैसे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो इसी टेक्निक पर काम करते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, भूकंप की जो आप बात कर रहे हो, जब सब सोर्सेस फेल होने लग गए तो हमने अंदाजा लगाया कि कोई वेव अंदर पहुंचा दिया है, तो वेव कैसे पहुंचे, तो फिर हमने देखा कि वेव तो कुछ जनरेट कर रही होती है अर्थ भूकंप के फॉर्मेट में, तो जो वेव भूकंप के फॉर्मेट में अर्थ जनरेट कर रही है उन्हीं से क्यों ना स्टडी कर ली जाए, तो भूकंप पर तब आते हैं, ठीक है। तो अभी ग्रंथ में और वो ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है, उसके कंक्लूजन ज्यादा ठीक है, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड में ग्रंथ पर आधारित अध्ययन हुई, एक बार घनत्व तापमान श्रद्धा ये सब समझ के देखते हैं। जैसे पृथ्वी इस तरीके से मानी जाती है, थ्री लेयर से, ठीक, ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर, कोर में कोर आउटर कोर दोनों होंगे, तो ये देखा गया कि घनत्व का कंसेप्ट समझ में आता है ना सबको, कि कौन कितना डेंस है, जैसे क्रस्ट का घनत्व है, क्रस्ट की डेंसिटी ये 2.8 ग्राम सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम क्रस्ट को उठाकर देखें तो उसमें देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 2.8 ग्राम कंटेंट मिलेगा हमें, लेकिन ओवरऑल जब पृथ्वी का डेंसिटी देखी गई तो वो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर आसपास है ओवरऑल अर्थ का। तो एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है इससे कि जैसे क्रस्ट है बाहर ओवरऑल ज्यादा है, तो जब अंदर जाएंगे तो क्या बढ़ रही होगी या घट रही होगी डेंसिटी, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला तो यही कहता है, मैथमेटिकल कंक्लूजन, ये मैथमेटिकल कंक्लूजन समझ में आता है ना सबको, नहीं कुछ बच्चे आर्ट साइड के होते हैं उन्हें कई बार दिक्कत होती है कि कैसे निकालते हैं कंक्लूजन, लेकिन फिर भी समझ लो, ठीक है। अब क्या था, एक घनत्व बढ़ने लगा, अब क्यों बढ़ा ये सोचने की कोशिश करते हैं, तो कुछ कंक्लूजन कुछ बेसिक अजम्पशन मानी गई, उस एजम्पशन में पहले एजम्पशन ये थी कि भाई जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, जैसे समुद्र में भी आप नीचे जाते हैं तो वाटर का प्रेशर लगता ही है, ये तो अर्थ है, अर्थ तो सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर से बनी हुई है, तो नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो कंटेंट है वो स्क्वीज होगा, सुखड़ेगा, और जितना ज्यादा सुखड़ेगा उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी, इस वजह से नीचे जाने में पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है। फिर ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था, फिर इसके कुछ नेगेटिव्स देखे गए कि भाई जरूरी थोड़ी है सब ठीक बोल रहे हैं, तो इसके नेगेटिव्स में सबसे पहले देखा गया कि देखो पहली बात तो ये कि कोई भी मटेरियल है उसको तुम एक लिमिट के बाद स्क्वीज नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, तो ये जो मैटर है प्लेट सपोज इसको मैं कितना भी दबा लूं इससे छोटा नहीं कर सकता, जब इससे छोटा नहीं कर सकता तो इसकी डेंसिटी भी नहीं बढ़ा सकता, जब ये होगा ही नहीं छोटा डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, तो जब हम ये कहते हैं कि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है उस वजह से डेंसिटी बढ़ती है, तो ये फंडामेंटल फॉल्ट हमारे अजम्पशन में ये होता है कि जब हर स्टेज पर जाते जाते प्रेशर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और जो मैटर है वो सुखड़ता रहेगा, जबकि एक समय के बाद मैटर सेचुरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा सुखड़ेगा ही नहीं, सुखड़ेगा नहीं तो डेंसिटी स्टेबल हो जाएगी वहीं पर, तो इसका ये नेगेटिव देखा गया कि जो प्रेशर है एक लिमिट के बाद बढ़ता नहीं है स्टेबल हो जाता है। और इसमें एक अजम्पशन इसी में ये था कि उन्होंने ये माना कि जैसे नीचे जाते हैं सब एक समान ही है, उन्होंने ये नहीं माना कि नीचे जाके कुछ मैटर बदल गया कि एल्यूमिनियम लोहा बन गया या निकल बन गया, ऐसा नहीं माना, उन्होंने माना कि सब एक जैसे मैटर से बनी हुई है, तो नीचे जाने प्रेशर बढ़ा डेंसिटी बढ़ी। नेगेटिव में देखा गया कि प्रेशर एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ेगा, जब प्रेशर एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ेगा तो मैटर स्क्वीज नहीं होगा, सुखड़ेगा नहीं, सुखड़ेगा नहीं तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसको खारिज किया गया। फिर दूसरा बताया, दूसरा बताया कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बाहरी धातुएं
जैसे ये क्रस्ट है मेंटल, ये कोर, जो ऊपरी क्रस्ट है वो हल्के पत्तों से बनी हुई है, उसे बोलेंगे सिल्का और एल्युमिनियम। सही है, सिल्का, फिर सीमा, फिर निकिल। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे भारी तत्व जैसे निकिल और एल्युमिनियम लोहा, नीचे जाने पर भारी तत्व बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे भारी तत्व होंगे ऑब्वियसली बात है उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी होगी। तो दूसरा मत कुछ हद तक स्वीकार किया गया कि ये डेंसिटी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि नीचे जाने पर कोर में भारी तत्व बढ़ जाते हैं। इसको एक्सप्लेन उन्होंने कैसे किया, उसके तीन चार एग्जाम्पल्स देखे या तीन चार इसके फेवर में प्रूफ रखे। पहला प्रूफ तो वही रखा जो उल्का पिंड वाला था, उल्का पिंड के कोर में हमने ऑलरेडी निकिल और फेरस ऑब्जर्व किया था। दूसरा तर्क इसके फेवर में यह रखा गया कि जो अर्थ है वो चुंबकीय पिंड की तरह काम करती है, यानी कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुई या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अट्रैक्ट करती है, यानी चुंबकीय ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। चुंबकीय ऑब्जेक्ट की तरह काम तभी कर पाएगी जब सेंटर में बहुत हैवी मेटल्स होंगे, हैवी मेटल एक ये रखा गया। तो ये ज्यादा ठीक माना गया, लेकिन इससे हम ये नहीं लगा पाए कि कौन सी जगह क्या चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है, बस ये कंक्लूजन निकल पाए कि घनत्व के आधार पर नीचे जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हम अर्थ के बारे में जनरेट नहीं कर पाए इससे भी, बस सिवाय इस कंक्लूजन के कि डेंसिटी बढ़ेगी नीचे जाने पे। अब उस डेंसिटी अब नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट में आए हैं तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पहला कंक्लूजन निकला कि नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ने लगती है। दूसरा कंक्लूजन दूसरा आया टेम्परेचर, तापमान में जैसे थोड़ी देर पहले भी बात की 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर पर टेम्परेचर नीचे पड़ेगा, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर पर नीचे पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। और फिर वही एग्जाम्पल की मान लो हम 80-90 किलोमीटर पर पहुंच जाए तो अर्थ की क्या स्थिति होगी, पहले समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा क्यों, एक क्वेश्चन ये भी है ना कि जब हम 100 मीटर नीचे जाए तो टेम्परेचर बढ़ा क्यों। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं, पहला तो जो रेडियो एक्टिव मेटीरियल्स हैं अर्थ में क्या है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, एलिमेंट्स डिके होते रहते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में टेम्परेचर होता है। दूसरा एक चीज ये बताया कि जब अर्थ फॉर्म हुई होगी ना तो कुछ एनर्जी साइड ट्रैप हो गई हो अर्थ के अंदर, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा हो। तो जब तापमान के आधार अध्ययन पर देखा गया कि जब 100 मीटर नीचे जाएंगे 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि 80-90 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो टेम्परेचर तो इतना हो जाएगा कि पूरी अर्थ लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगी अंदर, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो घनत्व पे आधारित अध्ययनता और ताप पे आधारित अध्ययनता इनमें कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन जैसा होने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तीसरा जस्ट ताप पे आधारित प्रेशर में, तो प्रेशर पे आधारित अध्ययन में ये देखेंगे कि प्रेशर नीचे जाने पड़ेगा, प्रेशर पढ़ने में जैसे आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कोई भी लिक्विड है सॉलिड है अगर उस पर आप प्रेशर ज्यादा डालोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब बढ़ जाएगा। तो जैसे ही अर्थ में हम नीचे गए प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो अर्थ मेल्ट नहीं होगी क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो टेम्परेचर प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर रहा था या बराबरी में पिघलाने की कोशिश कर रहा था, ये बढ़ा हुआ प्रेशर नहीं देगा। तो ये फिजिक्स की प्रॉपर्टी होती है प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट सब बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ने से जो रॉक्स है अंदर जो मेटीरियल है वो आसानी से पिघलेगा नहीं, इसका मतलब सॉलिड कंडीशन में रहेगा, तो बड़ा हौज बहुत सा हो गया जहाँ तुम्हें लग रहा होगा क्या चल रहा है। ऐसे ही उनको लगने लगा जैसे नीचे जाने पर यहाँ तो इन्होंने डेंसिटी बढ़ा दी, यहाँ जाने पर सब पिघला दिया, यहाँ जाने पर सब जमा दिया, तो कुछ क्लियर कट कंक्लूजन निकल नहीं पाया क्योंकि सब इनडायरेक्ट सोर्सेज थे और इनमें बहुत सारी हमने अजम्पशन मानी गई थी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हेल्प ले लेके अपने अपने फेवर में कुछ लॉजिक गढ़े थे। तो सबसे बाद में आता है भूकंप शास्त्र पैदल जो ज्यादा लॉजिकल है। सर लेयर वेट भी तो हो सकता है क्या हाँ
ठीक है ठीक है, वो कह सकते